दोस्तों, अगर एक छोटे से गांव का लड़का अगर इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो फिर आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। दोस्तों, बस ये सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोज देसर के बारे में कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। जी हाँ साथियों, आज इन्होंने अपने मेन चैनल मनोज दे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट किए हैं। पहले तो मनोज दे सर तक अगर यह वीडियो पहुंच चुकी है तो आपको बहुत बहुत बधाई एक छोटे से यूट्यूब क्रिएटर की ओर से। दोस्तों, सफलता लोगों को ऐसे ही नहीं मिलती, लोगों को सफलता दिखती है, कोई भी बंदे की सफलता दिखती है, मगर उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का मेहनत शायद से कोई देखता है। दोस्तों, मनोज दे एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचे, हमेशा लोगों की भलाई ही करते रहे, चाहे उनके पास कोई इक्विपमेंट रही हो स्टार्टिंग में या फिर नहीं, चाहे उनके पास स्टार्टिंग में कुछ व्यवस्था नहीं हो या फिर नहीं, चाहे स्टार्टिंग में उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, बट फिर भी वो लोगों की मदद किए और आगे बढ़े और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोस्तों, मनोज दे ने अपने रहने की पर्यावरण, जो भी पर्यावरण में रहते थे, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते थे, उस इन्वायरमेंट के लेकर कभी भी वो शर्मिंदगी महसूस नहीं किए, बल्कि उसी पर प्राउड फील किए और उसी इन्वायरमेंट को लेकर काम किए, कड़ी मेहनत के साथ और इस मुकाम पर पहुंचे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब मनोज दे के पास ना सही का घर, ना सही से उनके पास वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट थी और ना ही अच्छा खासा सेटअप, बट फिर भी वो YouTube से हार नहीं माने। YouTube पे वे कड़ी मेहनत किए, आगे बढ़े और किसी की ना सुने और अपने मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक YouTube पर अपना सपना जमाने का जो मोटिवेशन है वो और मजबूत हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो एक बार फिर से मोटिवेट होइए, एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जेटिक वे के साथ यूट्यूब में वर्क करना शुरू कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो मनोज दे सर तक पहुंच पाए और वो इस वीडियो को एक बार देख पाए। जय हिंद, जय भारत।